नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं बनाऊंगा फ्राइड राइस वेज। चलिए तो शुरू करते हैं बगैर टाइम बर्बाद किए हुए। फ्राइड राइस वेज बनाने के लिए चाहिए स्प्रिंग अनियन। तो सबसे पहले मैंने ले लिया स्प्रिंग अनियन और इसको धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। चलिए तो मैं इसे चॉप कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले गैस को मैंने जला लिया है। ठीक है, और अब मैं इसमें डालूँगा 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप लोग रिफाइंड ऑयल यूज करना चाहें रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज करना चाहें ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, और अगर देसी घी यूज करना चाहें देसी घी यूज कर सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल यूज करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, तो सबसे पहले हम डालेंगे चॉप गार्लिक, चॉप अनियन और चॉप ग्रीन चिल्ली। थोड़ा सा हम इसको सौते कर लेंगे एकदम लाइट ब्राउन। अनियन थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसमें डालूँगा बॉईल किया हुआ कैरेट, बॉईल किया हुआ बीन्स, और फिर से हम इसको थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे इस तरीके से। वेजिटेबल एकदम सौते हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। और अब मैं डाल लेता हूँ इसमें बॉईल किया हुआ 1/2 kg राइस, ये बासमती राइस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चला लेता हूँ, फिर मैं इसमें थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करूँगा। ठीक है, ये देखिए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा ब्लैक ग्रास पेपर, कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा वेजिटेबल ब्रॉथ, और नमक स्वादानुसार, और फिर डालेंगे हम इसमें चॉप किया हुआ है स्प्रिंग अनियन, और इसको अब हम मिला लेंगे अच्छे से इस तरीके से। दो टी स्पून डालेंगे हम इसमें सोया सॉस सबसे लास्ट में, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसको एक बार फिर से मिला लेता हूँ। फ्राइड राइस वेज बन के तैयार है, सर्व करने के लिए रेडी है। चलिए तो मैं एक अच्छी सी प्लेट में गार्निश के साथ इसको निकाल लेता हूँ। फ्राइड राइस वेज बन के एकदम तैयार है, होटल रेस्टोरेंट के स्टाइल में घर पे कुछ ही समय में। तो आप लोग भी अपने घर पे बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक करें, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक करें।